विकास नगर के मंडी में, जहाँ पर तमाम जो जौनसार भाबर के चक्राता क्षेत्र के पछतून के समस्त जो काश्तकार हैं वो अपनी उपज को इसी मंडी में लाते हैं और इसी मंडी से जो है यहाँ पर उनको उनकी मेहनताना मिलता है। आज हम जो सरकार ने जो किसान बिल लाया है, दोनों सदनों में जो किसान बिल पास हुआ है, उससे उनके बारे में जो यहाँ के काश्तकार हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको इस बिल के बारे में कुछ जानकारी है कि नहीं, या वो जो फसल उगाते हैं चाहे वो आलू हो, टमाटर हो, चाहे मिर्च हो, वो उनको उचित मेहनताना मिलता है कि नहीं मिलता है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताएं कि आप जो हैं काश्तकार हैं, कितने साल से कर रहे हैं? भाइयों बहनों, हम मतलब दादा पर ना दादा कर रहे हैं, और बाकी है कि सामान यहाँ मतलब गांव से यहाँ पहुँचाते हैं, पहले खेचर का भाड़ा देना है, तो गाड़ी का भाड़ा देना है, फिर यहाँ आड़त करती है, फिर आगे मनमर्जी से रेट मिलते हैं, तो हमको क्या मिला? हमको तो मतलब बराबर ही नहीं चलना पड़ रहा, मतलब ये मंडी वालों का मजदूरी कर रहे हैं, बाकी क्या है। जब टमाटर लाते हैं और मटर लाते हैं, हरी लाते हैं और अदरक लाते हैं, तो राजमा आता है और चोर आते हैं। आपको यहाँ पे उचित मूल्य मिलता है? उचित मूल्य कहाँ मिलता है यार, यहाँ तो मतलब अपने हिसाब से रखते हैं। सरकार जो सरकार ने जो किसान बिल पास किया है कि कंपनी आपके घर में आएगी, आपको उचित मेहनताना घर में मिलेगा, तो क्या संतुष्ट हैं? तो हम जब हमको घर में मिलेगा रेट, तो हम यहाँ आने का कुछ शौक थोड़ी है। आप ये कब से कर रहे हैं काश्तकारी? सर हम दादा परदादा से काश्तकारी कर रहे थे, हम भी कर। अच्छा, क्या क्या उपज उगाते हैं आप लोग? सर अदरक हो गया, मटर हो गया, अरवी हो गया, टमाटर हो गए, मूली हो गई, सारी चीज़ें जो जितनी भी है टू जेड सब ही उगाते हैं। कहाँ तक ले जाते हैं आप, कहाँ बेचने जाते हैं आप? सर हमें ऐसे तो प्रॉपर जो हमारी मंडी है नई दिल्ली वो गाँव में, सर सही हमें पड़ती है, उचित मेहनत तारा मिलता है आपको? सर उचित मेहनत तारा बहुत बुरे हाल हो गए, सर इतने बुरे हाल हो गए, उसका कोई हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी हाल होगी, और इस टाइम ये कोरोना काल में आपका व्यवहार आपके साथ कैसा रहता है? सर व्यवहार तो सर बढ़िया रहता है, व्यवहार इनका ठीक है, लेकिन सर उसे व्यवहार नहीं कहते सर, हमने मेहनत करेगी छः महीने, अगर उसका रेट नहीं मिलेगा तो हम व्यवहार से क्या करेंगे, ऐसे व्यवहार से क्या लेना देना हमें, अगर मेहनत नहीं मिलेगी हम गरीब किसान हम किसान के प्रति, तो सर सरकार ने बहुत बुरे वो कर दिया सर, हम लोग बहुत ही अत्यंत। अच्छा ये बताएं कि सरकार ने जो सरकार ने जो किसान बिल पास किए हैं लोकसभा में राज्यसभा में, अब राष्ट्रपति की मोहर भी उस पर लग गई है, कानून बन गया है, तो क्या आप कुछ जानकारी रखते हैं? सर अभी फिलहाल तो हमें सर इसमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, क्या हुआ उन्होंने क्या किया, लेकिन सर जहाँ तक किसान वाली बात है, किसान तक सर कोई कुछ हो नहीं रहा सर, कोई फर्कदा नहीं रहा, बहुत बुरे हाल है सर किसान के, पहले से बहुत बुरे हाल। अच्छा सुनने में आ रहा है कि कंपनी जो है अब कंपनी आएगी आपके घर में और आपको तय मूल्य के तहत जो है आपको मूल्य दिया जाएगा, तो क्या क्या आप क्या जानते सर? अगर हमें देहरादून का रेट अगर हमें अपने घर में मिल रहा है तो हमें सर क्या दिक्कत है, हमें तो और बढ़िया रहा सर, लेकिन सरकार से सर हमें नहीं चल रही है सर, धरातल का कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कोई धरातल पे दिखे, हमें बहुत सचमुच जो पहाड़ के काश्तकार हो या चाहे मैदान के काश्तकार हो, काश्तकारों के साथ सचमुच उनका जो कहना है कि नाइंसाफी है, उनका जो जो उनका उनकी उपज है उसका उचित मूल्य उन्हें नहीं मिलता है, जब वो मंडी पे काश्तकार अपना जो है माल लेके पहुंचता है तो कहीं ना कहीं बिचौले के माध्यम से उसकी माल की बोली लगती है और उसको उचित मूल्य नहीं मिलता है, और सरकार ने जो कानून किसान के हित में जो कानून लाया है उसने जो है किसान संतुष्ट है, उनका कहना था कि अगर कंपनी वाले घर पे आते हैं उचित मूल्य मिलता है तो उसे संतुष्ट है, तो कहीं ना कहीं जो है बिल के बारे में भी किसान संतुष्ट है, अब देख रहे हैं कि जो नया बिल आया है इसे किसानों की आर्थिक दशा सुधरती कि नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल विकास नगर से प्राइम टीवी के लिए विनोद दत्तन, विकास नगर के मंडी परिसर में, और यहाँ पे जो काश्तकार जो अपनी उपज को लाता है इन आढ़तियों के पास, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि ये जो किसान और आढ़ती के बीच में क्या संबंध है, और जब किसान अपना जो माल जो यहाँ से यहाँ पे लाता है तो उनके साथ क्या उनको उचित मेहनताना मिलता है, ये बताएं सर कि आप कितने साल से आढ़ती हैं? 4 साल। अच्छा, तो काश्तकार जब माल लाता है तो आप जो है कैसे उसको संतुष्ट करते हैं? उनका माल अच्छे भाव से बेचते हैं, ऑक्शन होता है, बोली करते हैं, उनको अच्छा रेट मिलता है। अच्छा,
जो जो रेट बाहर होता है वही रेट देते हैं या कुछ ऐसा? नहीं, बाहर के रेट से अच्छा बिकता है मंडी में, क्योंकि बाहर से व्यापारी भी आता है ना खरीदने के लिए। अच्छा, तो खुला ऑक्शन करते हैं, वो ऑक्शन पर लेते हैं, और उसके बाद जो पैसा उसका पेमेंट कैश तुरंत पैसा मिल जाता है? तुरंत पैसा। नॉलेज नहीं ना हमारे पास, कोई भी सूचना ही आड़ते के पास कि भाई ऐसा हुआ है, जब आएगी नॉलेज तो मतलब वो आएगी खबर तो बताएंगे। वैसे अगर किसान को अगर कंपनी अच्छा पैसा देगी माल का तो वहाँ ले जाएंगे, अगर वहाँ लेगी तो फिर हमारे पास आएंगे, अगर हम अच्छा पैसा देंगे मतलब भाव माल का भाव देंगे। ये भी सुनने आ रहा है कि किसान का जो उपज है उसको मेहनताना उतना नहीं मिलता है, और आर्थिक या कोई और बिचौलिए जो है बीच में खा जाते हैं, कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आढ़त के बारे में क्या क्या है? आढ़त के बारे में कुछ नहीं है कि देखो, हम किसान हमारे परिवार जैसे संबंध हैं, घर जैसे संबंध होते हैं, खड़े हैं रात 24 घंटे खड़े रहते हैं, इनके साथ बीज का पैसा देते हैं, तो आढ़त का कोई वो नहीं है, वो अपनी इच्छा से जो मर्जी कटवा देता है, कटवाते हैं तो जबरदस्ती कोई। अच्छा, आप भी आढ़ती हैं? कितने सालों से कर रहे हैं आप आढ़त काम? अच्छा, जैसे सुना है कि नया बिल आया है, अब कंपनियां जो हैं गांव में किस काश्तकार के पास जाएगी तो उचित बहुत मेहनताना देगी क्या? कंपनियां अगर उचित मेहनताना देंगी तो किसान वहां जाएगा, नहीं तो हमारे पास हम देंगे तो हमारे पास आएगी कंपनी, हम अच्छा पैसे देंगे तो हमारे पास। अच्छा, अभी कोई जो बिल आया अभी हमें इसकी तो कोई सूचना है नहीं, ना हमें जानकारी। आप भी आती हैं? कितने साल से कर रहे हैं आप लोग? तो जो किसान बिल आया है उसके बारे में क्या जानते, कुछ जानते हैं आप कुछ? जैसे किसान बिल का अभी कोई पंजाब में समझे, लेकिन खिलाफ है किसान सब खिलाफ। अब एक कंपनी के बाद कंपनी को, अगर किसान को अपनी मर्जी का माल देखने का हर जगह हक है, अगर आप भी उसका माल लोगे तो तैयार देने के लिए होगा। सही, हमारी मंडी में ऑप्शन होता है खुला, आप बोल दे लो, भाई साहब बोल दे लो, जो ऑप्शन देगा उसका माल महंगा उसे भी मिलेगा। किसान संतुष्ट है तो हम संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारे परिवार के लोग हैं। सचमुच जो यहाँ पे मंडी में जितने भी आड़ती हैं उनका कहना है कि किसानों से हमारा जो आपसी प्यार और संबंध होते हैं, भाईचारे के संबंध होते हैं, उनके शादी ब्याह में दुख तकलीफ में जो आड़त हम काटते हैं, जो काटती है वो उनके काम जो है उनको एडवांस में बीज देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है किस। और उनका ये भी कहना है कि जो सरकार ने जो बिल आए बिल बनाया है जो बिल आया है उस बिल पे जो है अगर कंपनी डायरेक्ट काश्तकार के पास जाती है अगर माल खरीदने या उचित मेहनताना देती है तो किसान की मर्जी वो कहीं भी स्वतंत्र है। इसी प्रकार जो है अब देखना है कि ये जो बिल आए हैं इस बिल का कितना असर होता है किसानों के पक्ष में, ये बिल किसानों के हित में जो अगर आगे किसान इसके लिए जो है अगर संतुष्ट होते हैं कि नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल प्राइम टीवी के लिए विकास नगर से विनोद ओथण।